नमस्कार, मैं हूं जय कुमार और आप अभी देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री विशेष सहायता राशि के बारे में। मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार यह निर्देश दिया जा रहा है और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है कि सहायता राशि का भुगतान तेजी से करें, लेकिन हमारे जो कमेंट में जो मैसेज प्राप्त आता है उनसे साफ साफ पता चलता है कि जमीनी स्तर पर इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग इस योजना से अभी भी वंचित है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या निर्देश दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर हेडलाइनिंग में देख रहे हैं सहायता राशि का भुगतान तेजी से करें, मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्देश दिया गया है। और चलिए नीचे पढ़ते हैं क्या क्या जानकारियां इसमें दी गई है और आपको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के खाते में सहायता राशि के भुगतान तेजी से करें। यहाँ पर तो बोल रहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा कि बिहार के बाहर जो मजदूर फंसे हैं उनको खाता में सहायता राशि तेजी से भुगतान करें, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह योजना काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। गरीब मजदूर जिनको मोबाइल नहीं है वो कैसे मोबाइल चलाकर इस ऐप के द्वारा इस सहायता का लाभ ले। मैंने आपदा प्रबंधन मंत्री एवं आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया और इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया कि सर, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जो मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, वह कैसे इस योजना का लाभ लेंगे। जबकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी है, वो तो खुद समस्या से अभी तक निकल नहीं चुके हैं क्योंकि आपका ऐप काम नहीं कर रहा है सही ढंग से। ऐप को बार बार आप वर्जन चेंज कर रहे हैं, ऐप के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां अभी भी ऐप में है। आप जो बोलते हैं टेक्निकल इंजीनियर को फ़ोन करें, वहाँ से आपका समस्या का समाधान होगा, तो कहीं से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सिर्फ हमें जो लगता है कि सरकार के द्वारा सिर्फ हवा हवाई छोड़ी जा रही है, ज़मीनी हकीकत स्तर पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, कार्य हो रहा है मगर बहुत धीमी गति में हो रहा है। लाखों में 5 आदमी 10 आदमी को हो रहा है, बहुत आदमी अभी भी इस लाभ से वंचित है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं, उसी कमेंट्स के स्तर पर मैं यह आपको कह सकता हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में आप नीचे पढ़ सकते हैं कि कितने सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उन लोगों के साथ है जो बाहर में हैं और जिनके मोबाइल भी है, ऐप भी है, लेकिन उसको अभी भी ऐप ऐसा बनाया गया कि वह वर्क ही नहीं कर रहा है। वर्क जैसे ही उस पर आधार का कभी फोटो फ्रेश नहीं आता है तो कभी OTP नहीं आ रहा है, कितना का सफल हो गया लेकिन अभी तक उसके मोबाइल पर सफलतापूर्वक का मैसेज भी नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप तो जानते ही हैं कि क्या क्या सरकार के द्वारा सहायता राशि और बहुत सारे चीज़ों का बार बार निर्देश दिया जाता है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि कितना का लाभ अभी तक मिला है और कितना अभी वंचित है। तो चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्यमंत्री के साथ क्या क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी राशन कार्डधारियों के खाते में भी राशि भुगतान की गति बढ़ाएं। यहाँ पर यह कहा गया कि जितने राशन कार्डधारी हैं उनके खाता में भी राशि की गति बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इन कार्यों की समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संदिग्धों को अधिक से अधिक जांच कराई जा रही है, संदिग्ध लोगों को स्क्रीनिंग तेजी से हो रही है। वहीं अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के तौर पर 1,42,100 बिहार के लोगों के खाते में 1,000 हस्तांतरित कर दी गई है। कुल 3,80,000 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जरूरतमंदों के आवेदन अब भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पर निर्देश दिया कि पहले से प्राप्त आवेदनों में से बचे हुए लोगों के साथ साथ अन्य लाभुकों के खाते में शीघ्र राशि भेजे। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले तो उनका राशि भेजे जो ऐप के द्वारा आपको आवेदन कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग को तो ऐप पे सफलतापूर्वक हो गया लेकिन उनके पास मैसेज अभी तक नहीं आया है, तो इन पर आप काम करें और इन पर आप विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करें। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में 1,000 प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में भुगतान की योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी, किसको यह लाभ मिल रहा है और किसको नहीं ये तो हमें पता नहीं। जिनको लाभ जा रहा है वो भाई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ऐसा है ना कि 100 आदमी में 2 को जा रहा है और 98 भटक रहे हैं। इसके बचे हुए लाभुकों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित कराएं। जिन राशन कार्डधारियों का आधार सीडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन राशन कार्डधारियों का आधार सीडिंग नहीं हो रहा है वह क्या करें, उनके लिए देखिए क्या की सरकार कह रही है।
जिनका आधार अभी भी सीडिंग नहीं हो पाई है तथा जिनका राशन कार्ड अस्वीकृत हुआ है, निर्धारित समय सीमा के अंदर समुचित समीक्षा करें, ऐसे मामलों को निष्पादन करें, ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है। और भी मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था करें। समीक्षा के क्रम में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES, बर्ड फ्लू एवं स्वाइन फ्लू पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि AES से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों में सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करें और वहां संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें, साथ ही अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी समुचित व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च महीने में असामयिक वर्षा या ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के भुगतान के लिए किसानों के लिए 518.42 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रभावित किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में राशि की भुगतान भी तेजी से कराएं। तो फ्रेंड्स, यह था मुख्यमंत्री का निर्देश। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने इसके साथ क्या क्या सूचना दी है। फ्रेंड्स, यहां पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड धारियों के खाते में राशि भुगतान की गति तेजी से बढ़ाएं, और साथ साथ यह भी निर्देश दिया गया कि जो भी कोरोना संदिग्ध हैं उनको अधिक से अधिक जांच की जाए और उनको जांच कराई जा भी रही है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का बुलेटिन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनों लाभार्थियों को यह लाभ अभी तक मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,42,100 बिहार के लोगों में 1,000 हस्तांतरित कर दी गई है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि 1,00,001 आप लोगों को मिला है या नहीं, कि सरकार जो वहाँ से कह रही है कि 1,42,000 को हमने पेमेंट कर दिया, वो तो हमें भी पता चले और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वह किसको प्राप्त हुआ है। हमें तो नहीं अभी तक किसी ने ऐसा भेजा है कि सर हमको 1,000 मिल गया है राशन कार्ड में या मगर। लेकिन आपको मैं बता दूँ, कोरोना सहायता वाला जो योजना है उनमें कुछ आदमियों ने जरूर लिखा है कि सर हमारा 1,000 रुपया आ गया है। तो चलिए, यह खुशी की बात है, और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है उन भाइयों से मेरी संवेदना है कि आप लोगों के ऊपर भी सरकार जल्द से जल्द ध्यान आकृष्ट करे और आप लोगों के भी खाता में पैसा भेजे, क्योंकि ऐप में जो आप रजिस्टर करते हैं वहाँ पर आपकी यह कमी नहीं है, यह सरकार की विफलता है कि ऐप को सही ढंग से नहीं बनाया गया है। 1,00,000 आदमी में 5 आदमी को हो रहा है, बाकी 99,995 आदमी अभी भी इससे वंचित है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय को भी लिखें और साथ साथ भरपूर कमेंट्स में लिखें कि कितने आदमियों को यह लाभ नहीं मिला है और कितने लाभ से अभी तक वंचित है।